हेलो फ्रेंड, मैं अर्शद अय्यूब, एसआर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन केयर और गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के बीच पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, किसी चैप्टर को लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं एक वैकेंसी आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि बिहार में आया हुआ है। बिहार में एक वैकेंसी आया हुआ है BPSSC के नाम से, यानी बिहार पुलिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी, इस तरह का वैकेंसी हम लोगों के बीच में आया है। तो इस वैकेंसी का पूरा डिटेल रूप से बात करेंगे कि इस वैकेंसी में आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे, क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है, कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है और इसमें सैलरी पैकेज क्या है, ये इन तमाम चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आप लोगों का, मैं जितना कम समय में कोशिश करूँगा कि इस फॉर्म के पूरे डिटेल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, पूरा कंप्लीट रूप से मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं इस फॉर्म के डिटेल के बारे में। सबसे पहले ये जो फॉर्म जिस नाम से निकला है, BPSSC सब इंस्पेक्टर या SI भी उसको कह सकते हैं, फॉर्म के लिए ये जो फॉर्म है फ्रेंड, ये फॉर्म आपके सिर्फ बिहार में ज़रूर निकला हुआ है, लेकिन सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं, ये फॉर्म बिहार एंड अदर स्टेट कैंडिडेट दोनों के लिए है। लेकिन दोनों का एलिजिबिलिटी का क्रिटेरिया थोड़ा सा अलग है। बिहार के कैंडिडेट किस तरह से एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने में, और अदर स्टेट के कैंडिडेट किस तरह से एलिजिबल है, वो हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले बात करते हैं बिहार की कैंडिडेट की। तो बिहार के कैंडिडेट में क्या होगा कि ग्रेजुएशन विथ एनी स्ट्रीम, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएशन है, दैट मीन्स आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एज की बात करें तो एज में ये कैटेगरी वाइज है आपका। अगर एज की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं मेल, जनरल कैंडिडेट मेल यानी पुरुष में जो जनरल कैंडिडेट में आते हैं, कम से कम 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। अगर आप 37 साल से ज़्यादा आपका उम्र हो चुका है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बात करते हैं OBC एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट का, यानी जो बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास के में आते हैं, और फीमेल में ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जनरल से हैं या OBC हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो फीमेल हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो उनके लिए मिनिमम एज 20 ईयर होना चाहिए। अगर 20 साल से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए, यानी कि अगर आपका उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बात करते हैं SC और ST की। तो SC ST के कैटेगरी में क्या है कि मिनिमम एज जो कम से कम 20 साल होना ज़रूरी है, अगर आप 20 साल से छोटे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितना, तो इसमें 42 साल तक के स्टूडेंट यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। 42 साल के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ये जो छूट दिया जा रहा है OBC फीमेल एंड SC ST का, जो छूट आपको दिखाई दे रहा है, यही फर्क है आपका, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो, और बिहार के कैंडिडेट नहीं है तो। ये तो बात मैंने किया कि बिहार के कैंडिडेट हैं तो ये आपका क्रिटेरिया है। अगर आप बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं तब आपको क्या, कौन कौन सा फैसिलिटी दिया जाएगा, तो फ्रेंड ये कॉमन है, यानी ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप OBC में आते हैं या SC ST में आते हैं तो इसका फायदा फ्रेंड आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर आप OBC में भी आते हैं या SC ST में भी आते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको यहां जनरल कैटेगरी माना जाएगा, यानी आपके लिए ये क्रिटेरिया होगा कि मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 37 ईयर। ये जो ग्रेस मिलता है OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल, ये ग्रेस आपको नहीं
नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म जरूर है लेकिन ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म है, ये स्टेट लेवल के थ्रू निकाला गया है। तो इसीलिए इसमें अदर कैंडिडेट तो भर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट, लेकिन जनरल कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। बात करते हैं पोस्ट की, तो दो पोस्ट पे फॉर्म निकला है, एक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर हो गया और दूसरा सर्जेंट हो गया आपका। ये दो फॉर्म, दो पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों का पोस्ट अलग अलग है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ तक तो आपका, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर में टोटल कितना पोस्ट है और सर्जेंट में टोटल कितना पोस्ट है। तो बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट में जो पोस्ट नेम है ये दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए है। अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 724 सीट है और बैकवर्ड क्लास के लिए बीसी के लिए 280 है और ईबीसी के लिए 387 और जो बीसी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से छूट दिया गया है 58 सीट का, 58 सीट का अलग से उनके लिए छूट है। और जो EWS के अंतर्गत आते हैं यानी इकोनॉमिकल, जिनका हालत सही नहीं है, जो गरीब कोटा से आते हैं, चाहे वो जनरल कैंडिडेट से हो या किसी भी कैंडिडेट से हो, ये आप उनके लिए 199 सीट आपका रिजर्व्ड है। बात करते हैं SC ST की, तो SC में 333 सीट SC के लिए रिजर्व है और ST के लिए 17 सीट रिजर्व है। यानी सब इंस्पेक्टर में टोटल सीट की बात करें तो टोटल 1998 सीट आपका खाली है, यानी 1998 सीट के लिए ये फाइट होगा आपका। उसके बाद बात करते हैं दूसरे पोस्ट की यानी सर्जेंट की, तो इसमें जनरल के लिए 86 है और BC के लिए 20 है, EBC के लिए 39 है, BC फीमेल के लिए जो रिजर्व है वो 7 सीट है, EWS में 21 है, उसके बाद SC के लिए 34 है और ST के लिए 2 सीट रिजर्व है, यानी टोटल 215 है। अब फ्रेंड, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें तो छूट दिया जा रहा है, जैसे मान के चलिए कि ये SC ST की बात करते हैं, यहाँ ST की बात करते हैं, 17 सीट रिजर्व है इनके लिए। तो यहाँ पर बात ये होता है, कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि तब तो ST के अंतर्गत आने में इन्हें तो नुकसान हो गया कि इन्हें बस 17 सीट ही मिल रहा है। नहीं, 17 सीट रिजर्व है आप लोगों के लिए, 17 सीट के अलावा भी आप जनरल में फाइट कर सकते हैं, यानी ये ऊपर का जितना भी सीट है वो आपके लिए एलिजिबल है। ये एक्स्ट्रा जो सीट दिया जा रहा है वो आपके लिए है, यानी ये सिर्फ 17 सीट पे एसटी के लोग जो हैं वो सिर्फ 17 सीट पे फाइट नहीं करेंगे बल्कि 17 सीट एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि पहले हम लोगों ने कहा कि SC ST या OBC EBC इनका फायदा सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बिहार के से अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप उड़ीसा से हो, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्रिटेरिया आपके लिए होगा कि जनरल कैंडिडेट में जो आ रहा है आपका, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए 724 सीट और सर्जेंट के लिए 86 सीट, आपको बस इतना ही सीट पे फाइट करना होगा। क्योंकि वहाँ पे चाहे भले ही आप ओबीसी में आते हो लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं इनमें सिलेक्शन का और एग्जामिनेशन का, कि एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, कैसे एग्जामिनेशन लेगा, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन किस तरह से लिया जाएगा। जो क्रिटेरिया मैंने बताया, अगर आप उस क्रिटेरिया में आते हैं, अगर आपका एज उस लेवल का है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, देन आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो एग्जामिनेशन होगा वो दो कैटेगरी में होगा, प्री और मेंस। यानी प्री यानी पहला एग्ज़ाम होगा और दूसरा एग्जामिनेशन मेंस के रूप में होगा। प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो प्री एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। जो कि कितने मार्क्स का होगा फ्रेंड, तो 200 मार्क्स का होगा, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और इसमें जो टोटल समय आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके लिए जो सब्जेक्ट्स रखा गया है जो इस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो सिर्फ GS, GA और CA, यानी जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चन होगा। और इसके लिए जैसा कि जो लोग जहां मैं पढ़ा रहा हूं, जो लोग वहां से बिलोंग करते हैं, उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि GS के लिए कितना
बेहतरीन से बेहतरीन टीचर हमारे पास हैं, और आपको भी पता है जो लोग हम जो हमसे पर्सनली जो लोग हमें जानते हैं कि एक हमारे आदरणीय जेपी जैन सर हैं। अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहां से कर सकते, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों। आप चूँकि ये लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, और ऑनलाइन क्लास में आप कहीं भी किसी भी स्टेट में हों, आप एडमिशन ले करके जीएस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि अगर चूंकि मैं उनसे पढ़ा नहीं हूं, लेकिन जिस तरह का स्टूडेंट का क्रेज है उनके लिए, जिस तरह का रिव्यू है कि इतना अच्छा रिव्यू है कि अगर आप उनका कोर्स कर लेते हैं, जीएस का कोर्स कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपको बिहार के इस एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप ये मत समझिएगा कि मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ इसलिए वहाँ की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं स्पेशली जेपी जैन सर की बात कर रहा हूँ कि आप जीएस में अगर उनका क्लास कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका प्री एग्जामिनेशन 110% क्लियर होगा ही होगा, ये गारंटी है मेरी। अब बात करते हैं, चलिए ये तो बात हो गया कि कहाँ क्लास करना है। बाकी देखिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको जहाँ क्लास करना है आप वहाँ क्लास कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ क्लास कर रहे हो वहाँ भी अच्छा पढ़ाई होता हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हमारे नज़र में एक ऐसे टीचर हैं जो अब ऑनलाइन भी आ चुके हैं आपके सेवा में, और उनका अगर आप क्लास कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बहुत कम है, नॉर्मल है, आप आसानी से पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कि मेंस एग्जामिनेशन की। देखिए प्री एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर कर लेते हैं, प्री एग्जामिनेशन में क्लियर करने का दो तरीका है। पहला कि आपका 30% मार्क्स होना कंपलसरी है, 30% मार्क्स होना ही होना है। अगर उससे कम अगर आप हैं तो अगर 30% से कम आपका मार्क्स आया है और आप टॉप लिस्ट में भी अगर आ जाते हैं, जो लिस्ट निकला है तो जितना स्टूडेंट को सेलेक्ट करना था अगर उसके अंदर भी आप आ जाते हैं, लेकिन अगर आपका मार्क्स 30% से कम है तो आप सेलेक्ट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सेलेक्ट कितने स्टूडेंट को किया जाएगा। तो फ्रेंड जितना आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 20 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा इस एग्जामिनेशन से। लगभग 2000 आपका सब इंस्पेक्टर के लिए लगभग फॉर्म है, तो 2000 को 20 से अगर गुना करते हैं यानी कि लगभग 40,000 स्टूडेंट आप सेलेक्ट आप लोगों में से सेलेक्ट होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, अगर सब इंस्पेक्टर से आप फॉर्म भरते हैं तो। उसके बाद बात करते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन दो पेपर में लिया जाएगा आप लोगों से। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो दो पेपर में लिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, यानी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए 200 मार्क्स होगा, यानी हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा, और टोटल जो समय दिया जाएगा इसके लिए आपको वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। इसमें भी क्रिटेरिया सेम है कि 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि जब आपका मेरिट लिस्ट चेक किया जाएगा, जब आप मेरिट लिस्ट के अंदर में आएंगे तो जिस क्रिटेरिया से आएंगे उसमें क्या होगा कि ये हिंदी का मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये आपका सिर्फ और सिर्फ 30% अगर आप मार्क्स ले आते हैं देन आपका पेपर वन जो है, मतलब मेंस एग्जामिनेशन का पेपर वन आपका क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में दो पेपर होना है, पहला तो सामान्य हिंदी का होगा, दूसरा पेपर कौन सा होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की सेकंड पेपर यानी द्वितीय पेपर की। जो मेंस एग्जामिनेशन में जो सिलेक्ट हुए हैं उनका जो द्वितीय पेपर होगा, एक तो सामान्य हिंदी का होगा मैंने बता दिया आप लोगों को, और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा उनका सब्जेक्ट है जीएस यानी जनरल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इंडियन हिस्ट्री होगा, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ्स और रीजनिंग। ये इतना सब्जेक्ट से आपका सेकेंड पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा 100 क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये मार्क्स इसमें टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा, यानी इस एग्जामिनेशन में भी हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा, समय 2 घंटे का होगा। इसका भी क्रिटेरिया सेम है कि कम से कम 30% मार्क्स आना कंपलसरी है, लेकिन जितना वैकेंसी है उतना जैसे पीछे अगर आप फर्स्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो फर्स्ट एग्जामिनेशन में कितने लोग सेलेक्ट हुए, जितना वैकेंसी था उसका 20 गुना। अब 20 गुना सेलेक्ट होकर के जब वो मेंस पेपर देंगे तो मेंस पेपर से कितने लोग
लोग सेलेक्ट होंगे मेंस पेपर में, तो जितना वैकेंसी है उसका 6 टाइम यानी कि 6 गुना स्टूडेंट्स, 6 गुना स्टूडेंट्स आपके सेलेक्ट होंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या क्रिटेरिया है हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग कि फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कितना दौड़, कितना किलोमीटर का दौड़ होगा, कितना मिनट में दौड़ना होगा, आपका हाइट क्या होना चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि मैंने आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट रूप से पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड आइए देखते हैं हम लोग कि आपका फिजिकल टेस्ट में क्या लिया जाएगा आपसे। तो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में जो हाइट होना चाहिए जनरल और ओबीसी का जो हाइट होना चाहिए वो हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तब भी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब भी आपका हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी और एसटी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन एससी एसटी के अंतर्गत किन के लिए है, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। उसके बाद लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ में 155 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर 155 सेंटीमीटर कोई लड़की का है तो वो एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, वो उन सिलेक्शन पाने के लिए। आपका फिजिकल में कितना हाइट होना चाहिए, 155। लेकिन लेडीज़ में एक क्या अलग से ऐड किया गया है कि उनका वेट भी नापा जाएगा, हाइट के साथ साथ वेट भी नापा जाएगा। उनका वेट 48 केजी होना चाहिए। उनका वेट कितना होना चाहिए, 48 किलो होना चाहिए। ये लेडीज़ के लिए अलग से है कि लड़की लोग में अगर 155 सेंटीमीटर की हैं कोई, जिनका हाइट 155 सेंटीमीटर है डेफिनेटली वो सेलेक्ट हैं, लेकिन उनका वेट भी होना चाहिए 48 केजी। क्लियर है। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में जनरल और ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, यानी नॉर्मल आप खड़े होते हैं तो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना को जब फुलाते हैं आप तो कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये जो चेस्ट का जो क्रिटेरिया है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे इसी के चलते यहाँ पे लेडीज़ के लिए क्या किया गया है कि एक वेट रख दिया गया है कि कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए। बाकी ये जो चेस्ट का क्रिटेरिया है मेल के लिए, यानी 81 सेंटीमीटर किनका बिना फुलाए हुए और फुला करके जब वो सीना को चौड़ा करते हैं उस समय 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और शर्त है कि बिना फुलाए हुए और फुला करके जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं 81 और यहाँ फुला करके 86, 5 सेंटीमीटर है ना, ये मिनिमम है, मिनिमम 81 होना चाहिए। तो मिनिमम अगर जिनका 81 है, कभी कभी ऐसा केस होता है कि मिनिमम 81 मांगा जा रहा है लेकिन किन्हीं का चेस्ट 90 है, किन्हीं का चेस्ट कितना है, 90 है बिना फुलाए हुए, तो वो तो सेलेक्ट है। लेकिन जब वो फुलाते हैं तो फुलाने के बाद उनका जो चेस्ट है वो 92 आता है। फुला करके कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए मिनिमम, इनका 92 है, तब तो ये दोनों में सिलेक्ट है, 81 से ज़्यादा है और 86 से ज़्यादा है। लेकिन ऐसे केसेस में ये सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि चाहे चेस्ट, ये तो मिनिमम क्रिटेरिया है 81 और 86 का मानता हूँ, लेकिन साथ में एक और क्रिटेरिया है कि बिना फुलाए हुए और फुलाए हुए के बीच 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। यहाँ पे 2 ही सेंटीमीटर, यानी जब ये फुला रहे हैं तो 2 ही सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो ऐसे केसेस में भले ही इनका बॉडी ज़्यादा अच्छा है लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं रनिंग की, यानी दौड़ की। दौड़ में जो मेल कैंडिडेट हैं 1600 मीटर उनको दौड़ना पड़ेगा। 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा कितने मिनट में, तो 6 मिनट और 36 सेकंड उनको दिया जाएगा, जिसमें उनको 16 मीटर का दौड़ दौड़ना होगा। उसके बाद बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट को 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का दौड़ दिया जाएगा, जिसके लिए उनको समय मिल रहा है वो 6 मिनट का समय मिल रहा है, यानी 6 लड़कियों को 6 मिनट में 1 किलोमीटर का दौड़ दौड़ना होगा। अब बात करते हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप की, और उसके बाद गोला फेंकने वाला भी एक टेस्ट लिया जाता है। बस 3 टेस्ट आपका और होना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का। तो आइए देखते हैं वो तीनों टेस्ट। तो बात करते हैं हाई जंप की। तो हाई जंप यानी ऊंची कूद, हाई जंप में
कितना छलांग लगाना होता है, तो मेल कैंडिडेट को कम से कम 4 फीट ऊंचा छलांग लगाना होगा और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना 3 फीट का छलांग लगाना होगा, 1 फीट का छूट दिया जा रहा है फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी लड़कियों के लिए। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग जंप की कि कितना दूर तक आप छलांग लगा सकते हैं, तो लॉन्ग जंप की बात करें यानी लंबी कूद की बात करें तो उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट तक छलांग लगाना होगा। अगर आप लड़के हैं तो आपको 12 फीट तक छलांग लगाना होगा और अगर आप लड़की हैं तो आपको 9 फीट का छलांग लगाना होगा, यानी 3 फीट का यहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा लड़कियों के लिए। अब बात करते हैं गोला फेंक का, एक टेस्ट होता है जिसमें एक गोला होता है उसका कुछ वेट होता है, उसको फेंकना पड़ता है आपको। तो फेंकने के लिए वो उसका क्या क्रिटेरिया है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो गोला मिलेगा उसका वेट 16 पाउंड होगा, 16 पाउंड होगा। वो 16 पाउंड के गोले को कम से कम 16 फीट दूर आपको फेंकना पड़ेगा। आप कैसे फेंकेंगे वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन ये 16 पाउंड के गोले को आपको कम से कम कितना फीट, 16 फीट तक फेंकना होगा। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट में क्या है कि जो गोला मिलेगा वो सिर्फ 12 पाउंड का मिलेगा, यानी 4 पाउंड का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है और जितना दूर फेंकना है उसमें भी 6 फीट का प्रिफ्रेंस दिया जा रहा है। यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं या लड़कियाँ हैं तो लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा और उनको सिर्फ 10 फीट फेंकना होगा। तो फ्रेंड ये तो हो गया पूरा कंप्लीट रूप से जानकारी, और अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़ की जो है सैलरी पैकेज। जो सैलरी इसमें रखा गया है, जो पे स्केल रखा गया है वो 35,400 से लेकर के 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक इसका पे होगा, 35,400 से 1,12,400। बाकी वो आगे महंगाई वगैरह जब बढ़ता है तो वो सब में इंक्रीमेंट मिलते ही रहता है। ये सिर्फ आपका पे स्केल अभी जो स्टार्टिंग में दिया जाता है वो 35,400 से 1,12,400 है, विच इज़ वेरी गुड। और हाँ, एक बात और मैंने बताना भूल गया आप लोगों को कि एग्जामिनेशन के बारे में मैं जब बता रहा था तो जितना भी एग्जामिनेशन मैंने बताया है, जो एग्जामिनेशन का क्रिटेरिया है जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे उसमें मैंने निगेटिव मार्क्स का चर्चा नहीं किया। तो जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं फ्रेंड तो कोशिश करें कि गलत टिक ना लगाएं, क्योंकि गलत टिक लगाने पे आपको फाइन के रूप में 0.2 मार्क्स काटा जाएगा, यानी आप माइनस में जाएंगे। कितना मार्क्स काटा जाएगा, 0.2 मार्क्स। तो उम्मीद करते हैं कि जो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक अच्छे से पहुंच गया है। अगर और भी कोई जानकारी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर और भी कुछ डाउट है तो, या फिर किसी और एग्जामिनेशन का डिटेल आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आप हमें कमेंट में ये भी लिखें कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।